साहिब जी, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत। सगल समगरी तुमरा सूतर तारी, तुम ते हुए सुवाग्याकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। हुआ सिफत खसमंदी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जीओ। मारू महला तीजा, आवण जाना ना थिया, निज कर वासा होए। सच खजाना बख्शिया, आपे जाने सोए। ए मन हर जियो चेत तो, मनो ताज बेकार, गुर के शब्द ते आए तो सच लगी प्यार। आवन जाना ना थिया, निज कर वासा होए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। पतत पावन कृपा निधान सतगुरु, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कृपा करके अमृत वेले जिथे सानू दर्शना दी दात बख्शिश कीती है, उत्थे नाल गुरबाणी दे कीर्तन, गुरबाणी दे नितनेम भी महाराज अमृत वेले तो बख्शिश करके सानू सरवण करवा रहे। इस वेले आपां गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी बाणी दी कथा सुनन वास्ते गुरु दरबार विच आके बैठे हाँ। अपने मन दे ध्यान नूं टकाईए, गुरु पातशाह दी पवित्र बाणी सरवण करिए, मिलके आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। ओ मारू महला तीजा, मारू राग दे अंदर धन गुरु अमरदास महाराज जी दा इह शब्द आपां सरवण करन जा रहे हाँ। पांच शब्द गुरु अमरदास पातशाह महाराज साहब जी ने बख्शिश किए, कल आपां एक शब्द सरवण किया, चार शब्द अगे होर बाकी ने जो अज सरवण करांगे। मारू राग दा ये शब्द महाराज फरमाउंदे हन। आवण जाना ना थिया,
निज घर वासा होए। महाराज कहन लगे भाई जिन्हां दा निजी स्वरूप दे विच वासा हो गया है, नाम जप के ना गुरमुखो कमाई करके जिन्हां ने अपने निजी स्वरूप की प्राप्ति कर ली है, जिन्हां दा स्वरूप परमात्मा दे नाल मिल गया है, जिन्हां ने अंदरों उस नूं प्राप्त कर लिया है, उन्हां गुरमुखां दा आवन जाना नाथी है, फिर आना जाना नहीं हुंदा है। जिहड़े साडे वर्गे संसारी लोग ने ना, असीं पहलां कई जन्मां विच आए हाँ ते अगे भी कई जन्मां विच अजे आना बाकी है, साडा जन्मन मरण मुकिया नहीं। पर महाराज कहिंदे जिन्हां नूं स्वरूप की प्राप्ति होगी ना, परमात्मा की प्राप्ति होगी अकाल पुरख दे, उन्हां दा आवन जाना नाथी है, उन्हां दा आना जाना हुंदा ही नहीं, मुक ही जांदा। बहुर हम काहे आवेंगे, गुरबाणी का वचन है। उन्हां भगतां गुरमुखां ने बड़ी निडरता दे नाल यह गल कही है कि दोबारा हुण असीं जन्मां विच नहीं आना है। उहदा कारण यह है कि उन्हां नूं सरूप की प्राप्ति हो गई है, इस तरह गुरमुख प्राप्त होंदे हन। सच खजाना बख्शिया गुरमुखो, ये नाम का जिहड़ा खजाना है ना, सूख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता, ये पोता नाम गुरमुखो खजाने का है। महाराज कहन लगे सुख सहज ज्ञान इन्हां सारयां नूं जिस खजाने विच पाया वह खजाना नाम है। सच खजाना बख्शिया, जिन्हां नूं इह सच नाम दा खजाना परमात्मा ने बख्शिश कीता है, आपे जाने सोए वो जिहड़े गुरमुख ने उन्हां ने फिर इस आनंद नूं आप ही जान लिया है। जिन्हां नूं इह सरूप प्राप्त हो गया ना, जिन्हां नूं बख्श लिया ना परमात्मा ने, उन्हां नूं फिर जिहड़ा आनंद प्राप्त हुंदा ना, दूजे नूं दस नहीं सकदे। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है। गूंगा बंदा गुड़ खा के स्वादिष्ट भोजन छक के हस के विखा देवेगा, हथ बाहवा मार के कोई माड़ा मोटा सानू दसेगा भी आनंद, पर पूर्ण तौर पर बोल के नहीं दस सकया है। इस तरह महाराज कहन लगे भाई जिहड़े गुरमुख परमात्मा ने बख्श लै ना, अपने नाल मना लै, वो अपने आनंद नूं आप ही जानते ने, अपने आनंद नूं दस ही नहीं सकते भी किन्ना कु आनंद प्राप्त होया है। सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद, इन्हें इन्ना ही वचन करते हैं भी भाई दुनिया में स्वाद तो बहुत कुछ है, पर परमात्मा के स्वाद की बराबरी किते नहीं है। आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जाने, वचन ये है भी वो जिहड़ा आनंद गुरु द्वारा प्राप्त होंदा उसका फिर कथन नहीं किया जाता है। हे मन हर जियो चेतों, इस करके हे मना हे जीव तू हर वेले परमात्मा नू चेते कर। सानू ये जन्म कादे वास्ते मिलया है, परमात्मा दे नाम नू चेते करन हित। महाराज कहन लगे ए मन हे प्यारे जीव बंदिया, गुरु दरबार विच बैठा है, मनुखा जन्म दे विच आ गया है, ये कोई काम कर। महाराज वो केड़ा काम है, हर जियो चेत तू परमात्मा नू चेते कर। तू आया ही चेते करन वास्ते है, क्योंकि रब ही भुलिया होया, बाकी तो सब कुछ सानू याद है। जे सानू इस दुनिया दे विच खाना पीना चेते है, पुत्र धियां चेते ने, यह तो सानू दूजे जन्मां दे विच भी चेते सन। पशु पंछी भी तो अपने धियां पुत्रां नू प्यार करदे ना, बच्चियां नू ते पशुआं नू भी पंछियां नू भी खाण पीण दा चेता रहिंदा, पर उन्हां नू जिहड़ा चेता भुलिया है वह नाम जपण दा भुलिया है। मनुखा जन्म तेनू मिलिया है, इस करके तू भाई नाम नू चेते कर। मनो ताज विकार, गुरमुखो ये जेडे विकार ने ना, ये हर वेले मन नू चिंबड़े रहिंदे ने। कदे कोई फुरना बैठिया आ गया, कदे कोई फुरना बैठिया आ गया, जदों बैठदा है उदों किसी होर दशा दे विच है, जदों उठदा है उदों किते सुभा होर पहुँच गया हुंदा, शरीर की किरिया बदल जाती। महाराज कहन लगे वकारा ने तेनू छड़ना नहीं, कदे कोई वकार घेरा पाउंदा इन्हां वकारा नू मुंडो ही खारज कर दे, दूर कर देना कर। उस वेले पुछया महाराज कृपा किवें होवेगी, वकार मन चो किवें छड़े जान, ते गुरु अमरदास पातशाह कहन लगे गुर कै शब्द, गुरु दे उपदेश दे नाल। जदों गुरु दे दर ते आवेगा ना, सतगुरु उपदेश बख्शिश करनगे,
उस उपदेश की कमाई करेगा ता ये विकार छड़े जाने, गुरु के उपदेश बिना नहीं छड़े जाते। इस करके गुरु की शरण में पैना कर ता सच लगी प्यार। जो गुरु की शरण में आ जाएगा फिर तेरा सच्चे नाम नाल प्यार लग जाएगा। हुण ते साडा प्यार संसार वल लगा है, जे सानू किते जपजी साहब का पाठ करना पै जावे, सुखमनी साहब का पाठ सुनना पै जावे ते सानू बड़ा औखा लगता है भी ये किहड़े काम में पै गया, कदों निबड़ेगा। पर कुछ गुरमुख ने जिहड़े चिते पैर किसी नाल गल ही नहीं करते, हर वेले सिमरते ही रहिंदे, हर वेले ध्यौंदे रहिंदे। असल दे विच उन्हां दा सच्चे दे नाल प्यार बन गया है, जिन्हां दा प्यार बन गया वह फिर उसे नूं चेते करदे। भाई बचित्र सिंह जख्मी हो गया ना, तो महाराज साहब जिया ने कोटले निहंग खां दे कोल छड्या। जदों फौजदार ने घर की तलाशी करनी चाही तो वह निहंग खां कहन लगा इस कमरे में मेरा धी जवाई है। फौजदार ते चला गया, पर उस लड़की ने निहंग खां की लड़की ने भाई बचित्र सिंह नूं अपना पति मन लिया। उदों ही भी पिता के मूँह बचन निकल गया। भाई बचित्र सिंह ते दूजे तीजे दिन चढ़ाई कर गए, शरीर छड़ गए, जख्म बहुते लगे शरीर ते बचे नहीं। पर वह जिहड़ी बीबी है ना जिन्हें भाई बचित्र सिंह नूं अपना पति मनिया, सवा सौ साल के लागे बन्ने उसकी उमरा हुई है। तो हर वेले उसने सिमरन ही करते रहना, हर वेले गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का सिमरन ही करते रहना। किसी ने बहुता बुलाना तो थोड़ा जि ही बोलना, माड़ा जि ही वचन करना, फिर उस तरह तस्बी फड़ के माला फड़ के सिमरन में जुटे रहना। इस तरह जिन्होंने गुरु के उपदेश नूं कमाया है, पातशाह कहिंदे निहाल हो गए ता सच लगी प्यार, उन्हां दा सच्चे नाम नाल प्यार लग जांदा है। गुरमुखा इस लोक दे विच नाम ना भुल जाए, वैसे सानू भुलिया होया पर महाराज कहिंदे तू ना भुल जावी। इत्थे इस दुनिया विच जिथे जन्म लैके तू आ गया इत्थे बाकी भावें सब कुछ भुल जावे पर एक नाम नहीं तैनू भुलना चाहीदा, ये चेते रखे। तो गुरमुखो अपनी जिंदगी विच आपां झाती मारीए, अपने जिन्नी साल की साडी उमरा हो गई है, कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, कोई 50 साल का, तो असी वेखीए भी इन्हां 50 सालों में किन्ना कु परमात्मा नूं चेते कीता। 50 सालों विचों कुछ घंटे ही निकलणगे जदों कि कोई असी गुरबाणी का पाठ सुनिया होगा ज पढ़िया हो, नहीं तो बहुता समा तो संसार वाल ही लगे रहे। महाराज कहन लगे एथो हो नाव हो भुलिया, इस दुनिया में आके नाम ना कि भुल जाई, चेते रखी, जपदा रही, ता जो मनुखा जन्म सफल। फिर फरमाते हैं नाव भुलिया, एथो तो भावो भाव यह है कि जोड़ा मनुखा जन्म है, क्योंकि इस दुनिया में तो पशु भी आए हैं तो पंछी भी आए हैं, इस दुनिया में मनुख भी आया। पर महाराज कहते मनुखा जन्म तैनू मिलया है, वेखी कि मनुखा जन्म के रब न ना भुल जाए, परमात्मा चेते रख, उन्हूं याद करया कर। फिर हाथ कथाओ न पाए, गुरमुखा जे परमात्मा का नाम भुल गया ना तो पातशाह कहन लगे फिर तेरा किसी ने हाथ नहीं पैना, फिर उसका कितने हाथ नहीं पैंदा। जे एक बारी भुल गया ना रब का नाम चेते ना ना आया मनुखा जन्म दे विच, फिर अगे 84 लाख जूना ने उन्होंने तेरा हथ कितने पैना, क्योंकि वह तो जूना बेचारिया नाम जाप ही नहीं सकती। एक बारी कितने मौका छुट गया ना आपने भी, एक बारी जे पौड़ी तो पैर पासे हो गया तो दोबारा नहीं मौका मिलना। महाराज उही बचन बख्शिश करते हैं, जूनी सब पाइन, सब जूना विच 84 लाख जूना का जिक्र किया ग्रंथां दे विच, और गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच भी जिक्र है 84 लाख जून उपाई रिजक दिया सबहू को तदका। 84 लाख जूना विचों बचन आ गया है, कहन लगे 20 लाख अस्थावर जानो, अस्थावर तो भाव एक जगह पर रहन वाले जेड़े ने उन्हां दियां 20 लाख जूना का वर्णन किया, एक जगह पर खलोते रहे, जिवें गुरमुखो पत्थर ने, जिवें पहाड़ ने, जिवें रुख ने, जिवें बनस्पति है, ये सारी एक जगह पर खलोती है ना, एक जगह तो दूजी जगह पर अपने आप तो नहीं ना जाते।
20 लाख जूना जिहड़ियां ने इहदे विचों ही निकल जांदियां। 20 लाख अस्थावर मानो ग्रंथकारां ने लिखिया है, 20 लाख जूना जिहड़ियां 84 लाख दे विचों ने, उह पत्थरां दियां ने, रुखां दियां ने, पहाड़ां दियां ने, बनस्पति दियां ने, जिहदे विच फुल फल वगैरह सब कुछ ही आ जांदा। अगे वचन करदे 9 लाख जल चावर मानो, 9 लाख जीव उह ने ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ 9 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। 11 ਲੱਖ ਪੂਰਮ ਕਵੀ ਗਾਏ, ਪੂਰਮ ਨਾਮ ਦਾ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 11 ਲੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਛੂ ਕੁਮਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੇਤਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਜੀਵ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 11 ਲੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ। ਪਰ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੂਨਾ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਥੀ ਗਣ 10 ਲੱਖ ਉਪਾਏ, 10 ਲੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਕਾਂ, ਬਾਜ, ਤੋਤੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 10 ਲੱਖ ਗਿਣੀਆਂ, ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 30 ਲੱਖ ਚੌਪਾਏ ਜਾਨੋ, 30 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਹਿਰਨ ਨੇ, ਗੈਂਡੇ ਵਗੈਰਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਨੇ। ਇਹ 4 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 4 ਲੱਖ ਬਾਨਰ ਦੁਖਦਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 80 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 4 ਲੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਲੰਗੂਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 20 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। 9 ਲੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਡੱਡੂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। 11 ਲੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਪਏ, ਚਿੜੀਆਂ, ਕਾਉ ਵਗੈਰਾ, ਤੋਤੇ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 30 ਲੱਖ ਉਹ ਨੇ, 30 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਨੇ, 4 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ। ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਗੂਰ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ। ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜੂਨੀ ਸਭ ਭਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭਵਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਹੇ ਸਮਾਏ, ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਹੀਏ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜੂਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਗਟਰ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ,
महाराज कहते नाम नहीं जपेगा तो गंदगी का कीड़ा बन के जन्म मिलता है। भागी गुर पाया, जिन्हों के वड्डे भाग ने गुरमुखो उन्होंने गुरु नू पाया है। वड्डिया भागा बिना गुरु की प्राप्ति नहीं। वड भागी हर संगत पावे, भागा नाल ही संगत मिलती है ते भागा नाल ही गुरु मिलता है। गुरब लिखिया माए, गुरमुखो जिन्हां दे पिछले जन्मां विच कोई चंगा लेख लिखिया ना, कोई पिछे आपां चंगा कोई पुन दान कर बैठे, उन्हां दे मुताबक वो गुरमुखां नूं फिर गुरु प्राप्त हुंदा है। अंदन सच्ची भगत कर, वो फिर गुरमुख दिने रात सच्ची भगती कर दे, दिने रात नाम जपदे हन। सच्चा ले मिलाए, सच्चा परमात्मा अकाल पुरख जिहड़े भगती कर दे फिर उन्हां नूं मिला ले। गुरमुखां करां उपर हर चेतिया, करां नाम है कौल करार दा, वादे दा। गुरमुखां ने वादा किया परमात्मा नूं, मैनूं जन्म दे परमात्मा, मैं दुनिया ते जाके नाम जपां, फिर वो अपने बचन नूं पूरा कर दे। कहन लगे भाई ऐसे जिहड़े गुरमुख ने उन्हां नूं सच्चा फिर अपने नाल मिला लैंदा है। आपे सिष्ट सब साजियन, उस परमात्मा ने यह सारी सृष्टि आप साजी है, बनाई है, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो, दोई कुदरत साजी है। कर आसन डिठो, वो अपने आप तो आपे बनया है, थापिया ना जाए कीता ना हो, बनया भी अपने आप तो है, ते फिर जिहड़ी सृष्टि है ये भी उसने आप बनाई है। आपे नजर करे, गुरमुखो फिर सारी सृष्टि दे उपर नजर भी अपनी करदा पिया, मेहर भी करदा पिया, सारिआं नूं तकदा भी पिया, सारयां दे दुख सुख भी वेखदा है। नानक नाम वड्याईआ, महाराज कहन लगे भाई जिन्हां गुरमुखां ने नामी परमात्मा दे नाम नूं जपिया है उन्हां नूं परमात्मा फिर वड्याईआं बख्शदा है। जै पावै तां दे, ओ फिर जिहड़े गुरमुख ने जिन्हां ने नाम जपिया है परमात्मा ने इन्नियां वड्याईआं बख्शिश कर दित्तियां, जिन्हूं चाहुण उह दे सकदे, ऐसी कृपा होंदी। जिन्हों चाहुण वो नाम की वड्याई, नाम जपण वाले जो चाहुण दुनिया विच कर सकते हैं। मारू महला तीजा, पिछले गुनाह बख्शाए जीओ। महाराज कहन लगे है जीव गुरु की शरण विच आके ये तरला कर भी महाराज पिछले अवगुण बख्श लो, कृपा करो। जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावै, कार उपदेश झिड़के बहु भाती बहुर पिता गल लावै, पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ आगै मार्ग पावै। ये बचन करके अरदास करया करो, महाराज अगे नहीं कुछ मंगदा हाँ पर पिछले बख्श लो, इन्नी कृपा कर दो, अगे मंगण दी लोड़ नहीं, तुसी आपे ही सब कुछ दई जा रहे हो, पर बचन ये भी पिछले गुनावां नूं महाराज बख्श लो, क्योंकि हम अवगुण भरे एक गुण ना ही, असीं गुनावां दे भरे होए हाँ, इस करके बचन ये है महाराज उन्हां गुनावां नूं बख्श लैना करो। आप तो मार्ग पाए, सतगुरु मनुखा जन्म दे विच आ गए हैं, पिछले गुनाह बख्श के हुण सीधे रस्ते पा लो, रस्ता अजे भी मेरा टेढ़ा ही है, दुनिया में आके वल भी करता, छल भी करता, धोखा भी करता, निंदा भी करता, चुगली भी करता, वकार भी भोगदा, महाराज रस्ता तो अजे भी टेढ़ा ही है, पर बेनती ये है महाराज हुण सीधे रस्ते पा दे, सीधे रस्ते भी तुसीं पा सकदे हो। हर की चरणी लाग रहा, इस करके हरी परमात्मा दे चरणा दे नाल हर वेले लगा रहना करा। विचों आप गुआए, पातशाह कहिंदे भाई हंकार ना करिया, आप नाम हंकार दा है, अपने अंदरों हंकार खत्म कर दे भी मैं कुछ हाँ। जिन्ना चिर ये बचन है ना भी मैं कुछ हाँ, उन्ना चिर कोई प्राप्ति नहीं है। सुखदेव दे सिर विच पैंदियां रही हैं ना झूठियां पतलां कादे वास्ते, जिन्ना चिर ये अपना आप नहीं गवाउंदा, जिन्ना चिर ये अहंकार नहीं ना छड्दा, उन्ना चिर 12 साल पतलां पवा के अहंकार टुटिया जाके ते फिर जाके उपदेश मिलिया। पर गुरमुखो उन्ना समयां विच ते उमरा ही बड़ी लम्मी है, लखां सालां दी उमरा, हजारां सालां दी उमरा, 12 साल विचों निकल भी जाणगे ते बहुता वड्डा फर्क नहीं है,
पर साड़ी तो उम्र आई 100 साल की मनी है पर पहुँचता कोई नहीं वो अद्धी रा अद्धी उम्र से सौ के मान लो जो 100 साल की उम्र हो भी जाए तो 50 साल तो सौ के लंघ है रात सौंदा दिने काम करता अद्धी उम्र से इस तरह निकल गई मगर 50 रह गए 12-15 साल तक बच्चा अनजाण हों बच्चे पता ही नहीं खेडन वाल ध्यान हों भी 12-15 साल विचों निकल गए 80 साल तो उपरली जी उम्र है उदो बंदा बजुर्ग इन्ना हो जाता भी शरीर के उत्ते कंट्रोल नहीं रहिंदा है वह भी निकल गया बचिया की मगर फिर खाना पीना भी है इनान भी करना दुनिया से आना जाना भी है कुछ नहीं बचेगा पल उमरा मुक गई है पातशाह कहन लगे इस करके उमरा बड़ी थोड़ी है अपने मन का हंकार गवा के नाम जपना कर मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए इस करके हे मेरे प्यारे मना प्यारे गुरसिखा गुरमुख बन गुरमुख बनना की है जेड़ा अपना मूँह गुरु वल करना है ये है गुरमुख बनना भी अपना मूँह गुरु वल कर गुरु वाल मूँह करन दा मतलब ये है भी जो गुरु कहिंदा है वो करना जो दुनिया कहिंदी है वो नहीं करना दुनिया तेनू बड़ा कुछ कहेगी पर दुनिया दे बड़ा कुछ कहनू अनसुनिया करके जो गुरु कहिंदा पिया वो सुनना ते वो करना उन्हू कहा जांदा गुरमुख महाराज कहन लगे मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए मेरिया मना गुरमुख बन के गुरां दा उपदेश लैके नाम नूं चेवना कर सदा हर चरनी लाग रहा इस करके सदा वास्ते गुरु दे चरणा दे नाल मन एकागर करके लगा रहा मेरा मन हमेशा एकागर रवे मन कदे डोले ना रे मन डीग ना डोलिए सीधा है मार्ग जाओ मन डोले ना गुरु नाल लग जाना करा एक मन एक पाए गुरमुखो एकागर मन हो के गुरु दे नाल लगा एक पाए एक प्रेम ही मेरा गुरु दे प्रति होवे दर्शन देख जीवा गुर तेरा ए प्रेम बनया रवे एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता ए प्रेम बनया रवे भाग हुआ गुर संत मिलाया ए प्रेम बनया रवे मेरा गुरु दे नाल नाम जात ना पत है गुरु दे अगे बेनती कर महाराज मेरी उत्तम जात भी नहीं है वैसे ते बचने है भी जात भावे किन्नी भी उची होवे उची जात होने दे नाल मुक्ति नहीं मिलनी है पर फिर भी कईयां नूं माण हुंदा मेरी जात उची है महाराज दे अगे तरला कर भी महाराज मेरी ते जात भी उची नहीं मैं नहीं मनदा भी उत्तम जात है ना मैं जात ना पत है ते दूजा बचने है भी संसार विच मेरी बड़ी इज्जत है लोग मेरा बड़ा माण करदे मैं जिथे जांदा जय जयकार हुंदी है ये बेनती कर भी महाराज मेरी ते इज्जत भी कोई नहीं करदा मैं जिथे जांदा लोग मैनूं अगों जिहड़ा है वह बेइज्जती का वचन कर दे माड़ा वचन नहीं करते महाराज ना मेरी कोई उची जात है ना मेरी कोई संसार विच कोई बहुती इज्जत है ना मैं थेहो न थाओ महाराज ना मेरा कोई थेहो है थेहो ना मैं पिंड का भी मेरा तो पिंड भी कोई नहीं है आप आम ही कह दें फलाना मेरा इलाका है फलाना मेरा पिंड है महाराज मेरा ना कोई इलाका है ना मेरा कोई पिंड है ते थाओ तो भाव हुंदा टिकाणा महाराज मेरा कोई टिकाणा नहीं है कोई एक जगह ते वसनीक नहीं ऐसा महाराज भड़किया होया हां शब्द भेद भ्रम कटिया गुर का नाम दिया समझाए जदों गुरु दे अगे अरदास कीती ना ते सतगुरां ने फिर उस वेले शब्द दे द्वारा उपदेश दे के सिख दे मन दा भरम कट दिता भरम गवा दिता भरम परे कर दिता महाराज कहन लगे शब्द भेद शब्द का भेद समझा के सतगुरां ने सिख दे अंदरों भ्रम कट दिता है ऐसी बख्शिश कीती है एहो मन लालच करदा फिरै गुरमुखो बंदे दा मन सारा दिन लालच करदा फिर जे 5 कमाए ने 50 कमाउंदा 50 कमाए ते 500 कमाउंदा 500 कमाया 5000 कमाउंदा महाराज कहन लगे एहो मन लालच करदा फिरै बंदे दा मन पदार्थां दा लालच सारी उम्र संसार विच करदा ही रहिंदा ये नहीं भी किसी उम्र जाके छुट जाएगा चलो मान लो बचपन विच लालच खाण पीन दा भी जवानी विच छुटेगा
जवानी विच लालच बनाउण दा बुढ़ेपे विच छुटेगा नहीं, ये लालच छुटदा ही नहीं है, सारी उम्र नहीं निकलदा है। लालच लगा जाए पाछा कहन लगे प्राणा दे अंत तक जान निकलण दा समा हो गया पर अजे भी लालच विच लगा होया, बुढ़ा हो गया ना पोतरियां वाला पड़ोतरियां वाला हो गया। लोग आखदे इहदियां लत्तां हुण मड़ियां विच ने, हुण ते चंगा काम करे नहीं, लत्तां मड़ियां विच होण दे बावजूद भी अजे भी माड़ा काम ही करदा पिया। फलाने की ठगी मार ही लवान, फलाने नू लुट ही लवान, फलाने का जिहड़ा रिजक है वह मेरे पोतरियां नू पड़ोतरियां नू मिल जावे। कई बार कोई व्यक्ति लै जांदा ना भी ये सियाना बजुर्ग है, चलो ये समझौता करावेगा, ये वंड करा देवेगा। हुण सियाने बजुर्ग नू ते तां लै के गया भी ये सियानी गल करके हक सच की गल करेगा भी इन्हें सारी उमरा वेख ली है, रब नू लिखा भी देना, कोई तो चंगा काम करेगा ना। उत्थे जिथे जाके वह वंड वंडाउण कराउण गया उत्थे जाके भी आखदा भी जिन्हें मेरी सेवा की है मीट मुर्गा लिया के मेरे अगे रखे वो हक की गल की है, दूजे दे अनहक की गल की। मरनू तैयार है, दुनिया तो जाण दा समा नेड़े आ गया पर अजे भी नहीं छड़दा पिया। ऐसा लालच कदे खाण दा आ जांदा है, कदे जोड़न दा आ जांदा। महाराज कहन लगे ऐसा लालच विच लगा है प्राणा दे अंत तक भी लालच जांदा नहीं है। धंदा कूड़ व्यापिया झूठे धंदियां विच बंदा लगा होया है, जमपुर चोटा खाए फिर जमा दी पूरी जावेगा। जे झूठे धंदियां विच फसिया पिया ते फिर जमा दी पूरी, जिथे धर्म राजा बैठा ना लेखा लैण वास्ते हिसाब लैण वास्ते, महाराज कहन लगे झूठे धंदियां विच फसे हो बंदे आ, जमा दे घर जाके फिर तेरा लेखा होवेगा, उथे मुकरिया नहीं जाना है। ऐसी हालत हुंदी है, नानक सब कुछ आपे आप है। महाराज कहन लगे भाई जो परमात्मा अकाल पुरख है वह सब कुछ आपे आप है, उहदे तो सब कुछ हुंदा पिया। जीव नू पैदा उसने कीता है, जीव दे कीते कर्म दा दुख मिलना है कि सुख मिलना ये भी परमात्मा अपने आप दिंदा है। दूजा नहीं कोई, क्योंकि उहदे बिना दूजा कोई है नहीं। दूजा किस नू आखीऐ जो जमै तै मर जाए, एको सिमरो नानका जो जल थल रहिआ। परमात्मा तो बिना जिहड़ा कोई दूजा है ना वह जमन मरण वाला, एक परमात्मा नहीं जमदा है ना मरदा है। उहदे तो बिना जिन्नी दुनिया उहने बनाई है, जिहड़ा परमात्मा तो बाद विच कोई दूजा है वह जमन मरण वाला। सतगुरु पातशाह बचन बख्शिश करदे कहन लगे भाई अपने आप ही सब कुछ करदा, दूजी कोई जगह नहीं जिथे जाके बचना करिए। भगत खजाना बख्शियो, अपने भगतां नू उसने नाम दा खजाना बख्शिया है। गुरमुखा सुख होए, गुरमुख जिहड़े फिर उस भगती दे खजाने नू भगती नू करके नाम नू जप के सुख नू प्राप्त करदे हन। मारू महला तीजा सच रते से टोल लहो, महाराज कहिंदे जिहड़े भाई सच सरूप दे विच रंगे हन उन्हां नू लभ लो, लभणे मुश्किल ने ना क्योंकि दुनिया विच बहुते ने। दुनिया विच नाम जपण वाले जिहड़े सच नाम दे विच रंगे ने उन्हां नू लभणा पैंदा। एक महात्मा ना ब्रह्म ज्ञान की अवस्था वाले गलियां विच कमले कमले बन के झले बन के आवे, कंध उपर लकीर मार दित्ती, कदे किते बैठ गए एक दो कमलियां गल्लां कर दित्तियां भी दुनिया नू ये लगे भी ये ते कमला है भी कंधां ते लकीरां ही मारन वाला, ताकि लोग मैनू कमला जान के मेरे कोल आ के बैठन ना मेरे नाल गल्लां ना करन और मैं नाम जपदा रहां। उस नगर दे विच एक पूर्ण महात्मा आ गया ब्रह्म ज्ञानी, महाराज कहन लगे ब्रह्म ज्ञानी की गत, ब्रह्म ज्ञानी जन है। एक ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था दूजा ब्रह्म ज्ञानी जानता, उन्हें महात्मा ने वेख्या भी इन्हों की अवस्था ही बड़ी उची है भी ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में पहुंचे हुए पर दुनिया में यह कमला झला बन के विखाते। उन्हें आए हुए महात्मा ने पूछ ही लिया, कहते महापुरखो भी इन्नी अवस्था थोड़ी ब्रह्म की अवस्था में पहुँच गए हो तो ये बाहरी तुम की लिबास बनाया। वो कहन लगे महापुरखो तो चलो तुम जान लिया चंगी गल है, पर मैं ये लिबास कमलिया जहाँ वाला तां बुलाया भी लोग मैनू बहुता तंग ना कर मेरे को आके बैठन ना,
मेरे को आके बहुतियां गल्ला ना कर जा, मेरे को बहुती कोई मंग ना मंगे आके भी बाबा जी अरदास करो साड़ी मदद नहीं मिली है, साड़ा फलाना काम खराब हो गया। जिनी को मैं कमाई करांगा लोग उन्ना को मेरे को लै जाएंगे मंग के, इस करके मैं अपने आप नू कमला जा झला जा बना के बैठा भी ना मेरे को मंगे कोई आके ना मैनू कोई कवे तो मैं नाम जपदा रहा। अवस्था बन गई है। महाराज कहन लगे भाई सच रते से टूल लहो, जिहड़े नाम दे विच रंगे ने उह लभणे पैंदे ने भावें उह साडे विच ही बैठे होण पता नहीं लगदा है। हुण नजीक खुदाए दे भेद ना किसै देण, जिहड़ा रब दे बिलकुल नेड़े हो अपना भेद नहीं देंदा है, ते जिहड़ा पखंडी है रब दे बिलकुल दूर है उह सगो ज़्यादा प्रभाव खाउंदा। वेखो मैं बड़ा रब दा नाम लै, पर रब दा नाम लैण वाले अपने आप नूं छुपा के रखदे हन। से विरले संसार, क्योंकि संसार विच ओह विरले ने, बड़े थोड़े हन ऐसे जिहड़े गुरमुख हन। तिन मिलिया मुख उजला, ऐसे गुरमुखां दे जे संगत मिल जावे ना गुरमुखो, जिहड़े बहुते घट ने नाम जपण वाले ते मूंह उजला हो जांदा उहनां दी संगत करके। नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी, नाम जपन वालियां दा अपना मुख ते उजला हुंदा ही है, लोक परलोक दे अंदर उन्हां दी संगत करन वालियां दे भी मुख उजले हुंदे हन। जप नाम मुरार, क्योंकि उन्हां ने मुरारी परमात्मा दे नाम नूं जपिया है। बाबा साचा साहिब हृदय समार, इस करके हे भाई परमात्मा नूं हिरदे विच संभाल कहिए चेते कर। जो परमात्मा अकाल पुरख है उसनू संभाल, उसनू चेते करना कर। सतगुरु अपना पुछ देख ले हो, अपने सतगुरु नू भाई पुछ ले। हुण सवाल ये है भी परमात्मा नू किवें संभालिए चेते किवें करिए। महाराज कहिंदे अपने सतगुरु जाके पुछ लेना कर। ले हो वखर पाल, सतगुरु फिर इहो ही कहणगे भी गुरसिखा नाम जप ते इहो ही वखर सौदा, फिर उसनू भाल लेना कर। एक सच्चा सब सेव दी, महाराज कहन लगे सारी दुनिया जिहड़ी है किसे ना किसे रूप दे विच किसे ना किसे बहाने नाल उस परमात्मा नू सेवदी सिमरदी है। तुर भाग मिलावा होए, किन्ना दे तुर तों वड्डे भाग सिमरिया एवें नहीं जांदा, जिन्हां दे तुर तों वड्डे भाग उह सिमरदे हन। गुरमुख मिले से ना विछुड़ा, महाराज कहन लगे जिहड़े गुरमुख नाम दे नाल जुड़ जांदे उह नाम नूं जपण वाले परमात्मा नाल मिल जांदे, जिहड़े मिल गए फिर उह कदे विछुड़ा नहीं हुंदा। नानक गुरमुख मिल रहा फिर विछुड़ा कदे ना हो, जिहड़े परमात्मा दे नाल मिल गए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਸੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸੋਏ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੈਠੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਇਹ ਹੈ ਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਵੀ ਨੇ ਚੋਰ ਵੀ ਨੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉੱਥੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਮੁੱਖ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਲਵੋ ਨਾ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਬੈਠ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁੱਖ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਮੁੱਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨ ਡਿੱਠਾ, ਇਹ ਮਨਮੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਨਮੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਛਕ ਲਈਏ ਛਕਾ ਲਈਏ ਜਿੰਨਾ ਛਕਿਆ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਪੀ ਲਓ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਮੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਨਮੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਆਪ ਕਹੀਏ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਧਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ, ਔਰਤ ਸੀਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਰੇਗੀ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਧਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਧਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਐਸੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਹੰਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਰਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਾਬਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਦਾਬਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਾਬਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੈ ਕਿਸੇ ਤਾਨ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗਾਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਵੈ ਕਿਸੇ ਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਜਾਪ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ ਖਲੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਲੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਬਣਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਵੀ ਆਹ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿਮਾਯੂੰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ, ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਖਲੋਤਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖਲੋਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਠੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਦੇ, ਪੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਮਾਯੂੰ
ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨ ਹੀ ਫੜਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਆਪ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕਰੈ ਸਵਾਸ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਵਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਨਤਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਾਰੂ ਤੇ ਸੀਤਲ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂ ਤੇ, ਮਾਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਈ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਤੇ ਸੀਤਲ ਕਰੇ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਜਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਥਲ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੂਪ ਕਹੀਏ ਖੂਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰੂ ਤੇ ਸੀਤਲ ਕਰੇ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੜ ਆਏ ਨਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਕਈ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੀ ਉਹਨੇ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰਹੋ ਕੰਚਨ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲੁਹਾਰ ਜਦੋਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੱਚਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰੀਏ, ਤਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਐਸਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨਦਿਨ ਧਿਆਏ ਹਰ ਨਾਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਆਰਾਧ ਤੂੰ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਅਨਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਭਾਈ ਗੁਣ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕੋ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਤ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ਦੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ,
कोई गां की पूजा करता बंदा हो के पशुआ की पूजा करता। महाराज कह लगे को बुतान को पूजत है पस, कोई बुतां की पूजा करता बुत विच जान कोई नहीं है, बंदे विच जान है, जान वाला बंदा बुत की पूजा करता जिदे विच जान नहीं। बंदे नू सोझी दिती है बंदा पशु की पूजा करता, को बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो। इत ही बस नहीं, मरिया की भी पूजा होंगी है, मड़ी बन गई है ना, जठेरे बन गया दुआबे लोग मड़ी की पूजा करी जाते, उत्ते लस्सियां पाई जाते लिजा कूर किरिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी तो बहुते लोगों एलर्जी है, ता ही कहिंदे भी ये ना पढ़ो, इहदे विच पखंड का बहुता खंडन जोरदार किया महाराज जी। ते फिर जेड़े चपली चट लोग होंदे ना सरकारां दे पिट्ठू, फिर वह उल्टा ही प्रचार करते भी नहीं ये नहीं पढ़नी बाणी, परे कर दिओ भाई। रो विचार ये है, महाराज कहन लगे भाई बचन ये है, ऐसे जेड़े लोग गुरु नू छड़ के इधर उधर तुरे फिरदे हन, क्या करन अगे जाए, वो अगे जाके की करनगे जो मर के दुनिया तो जानगे की करना, दुनिया तो जाके फिर जमा दी मार खा के दुखी हुंदे हन। जंपुर बद्दे मारिया है, ऐसे लोकां नू जमा दी पुरी विच बन के फिर सजा मिलदी है, बहुत ही मिलाए सजाए, बहुत ही सजा जो जम मारदा है ना, अनकाए रातड़िया वाट दुहेली राम पाप कमावंदे आ तेरा कोए ना बेली राम, फिर जमा दी इन्नी मार पैंदी है जेड़ी ना दसी जा सकती है ना सही जा सकती है। मेरा प्रभ बेपरवाह है, महाराज कहिंदे परमात्मा बेपरवाह भाई, रब नू किसे दा डर नहीं है, ना तिस तिल ना तुमाए, ना परमात्मा नू कोई ख्वाहिश है। आपां आखीए ना भी मैं नाम जपदा ते रब दी इच्छा है भी मैं नाम जपया ते रब वड्डा हो जाएगा, साढ़े जपण दे नाल उहनू कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि उसनू तिल जिन्नी भी किसे तो खाश नहीं इच्छा नहीं है। नानक ते सरनाई भज पौ आपे बख्श मिलाए, महाराज कहिंदे भाई भज के दौड़ के गुरु की शरण विच पै जा, गुरु कोलों उपदेश लैके नाम जपेगा तैनू गुरु बख्श लवेगा, जदों गुरु बख्श लवेगा फिर तैनू परमात्मा नाल मिला देवेगा, पर परमात्मा नाल उदों मिलेगा जदों बख्शिया जावे। ये महाराज ने अमृत वेले की दात बख्शिश की है। इत्थे गुरु अमरदास पातशाह के पांच शब्द पूरे हुए, कल नूं आपां गुरु रामदास पातशाह की बाणी शुरू करांगे। भुला चुका दी मुआफी दिओ सज्जन सीसड़िया साहिब से मिलो, मेरा प्रभ वे परवाह है ना ते तिल ना तुमाए, नानक ते सरनाई भज पौ आपे बख्श मिलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।